हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में परिजात गार्डन में। आज हम आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में बताएंगे कि आप अपने पौधे को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। आपको आपके ही किचन में आपको फर्टिलाइज़र बहुत सारे मिल जाएंगे। वेस्ट चीज़ों से आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। आपको बाहरी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में प्याज के छिलके वगैरह बहुत वेस्ट होते हैं, आप लोग उसको फेंक देते होंगे। आप लोग उस प्याज के छिलके को यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में। चाय पत्ती निकलते हैं, चावल दाल के पानी निकलते हैं, इन सभी को आप फर्टिलाइज़र के रूप में अपने पौधे को दे सकते हैं और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। आपके किचन में डेली दाल चावल का पानी वेस्ट होता है, जो आप दाल चावल धुलती हैं वो पानी आप वेस्ट कर देती हैं, उसको भी स्टोर करके आप अपने प्लांट में डालिए। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है और आप इस तरह से अपने पानी का भी बचत कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं वाटर। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है और आप इसको डेली आपके यहाँ निकलता है उसको स्टोर करिए। हर दो दो पॉट में आप डालते जाइए, दो पॉट में आज डालिए, दो पॉट में नेक्स्ट डे डालिए। आपका बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपके किचन में डेली प्याज के छिलके वगैरह निकलते हैं, उस प्याज के छिलके को आप जो है वेस्ट मत फेंकिए। उसको आप पानी में दो दिन तक रख दीजिए और जब दो दिन के बाद इसको आप छान लीजिए। अगर आप इसको मिक्सर करना चाहते हैं तो मिक्सर भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको छान के इसका पानी अलग कर लीजिए। ये भी फर्टिलाइज़र जो है आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको इसमें जो है और भी आप पानी मिला के अपने प्लांट को दे सकते हैं। आप फ्रूट वाले या फ्लावर वाले या कोई भी प्लांट हो, आप सभी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा और आपको इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आपके किचन में डेली चाय पत्ती भी निकलते हैं और आप उसको भी फेंक देते होंगे, इसका भी ये भी फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको डायरेक्टली प्लांट में ऐसे डाल देते हैं। इसको डायरेक्ट ऐसे प्लांट में डालने से आपके प्लांट में फंगस लगने का डर है, इसलिए इसको क्या करिए, आप धूप में इसको सुखा लीजिए। सुखा के आप एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए और किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। ज़्यादातर इसको रोज़ के प्लांट में डाला जाता है, एक एक चम्मच आप रोज़ के प्लांट में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इस तीनों में कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे सकते हैं। सभी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे हैं, सब आपकी किचन वेस्ट से ही बनाए गए हैं और आपका किचन का कोई भी सामान वेस्ट भी नहीं जाएगा और आपके प्लांट भी हरे भरे एंड हेल्दी रहेंगे। फ्रेंड्स, आप इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा और आप खुद ही देखिएगा कि आपके यूज करने पे आपके प्लांट में क्या आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट हैं और आपका ये वेस्ट किचन से ही निकल रहा है और आप इसको तो वेस्ट ही फेंक देते हैं। इसको प्लांट में डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि ये सारे फर्टिलाइज़र आपको कैसे लगे और आपके प्लांट में यूज करने के बाद भी आप हमको ज़रूर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिला। थैंक यू।